देखो, लॉकडाउन के दिनों में जो लोग लॉकडाउन की वायलेशन करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ताकि ये लोग इसको अगर थोड़ा सा नॉन सीरियस लेके चल रहे हैं तो वो ये अपने दिमाग से ये चीज निकालें कि ये कितना जरूरी है कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना, और कोविड के लेते जो हमारी एसओपीज की डायरेक्शंस हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो उसका हमने जो वायलेटर्स होंगे उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, ताकि तब जब उस चीज़ के लिए हम खुद ऑन ग्राउंड हम खुद खड़े हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं इसकी वायलेशन में कि मेडिकल का वो देखा आके बोलेंगे कि हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं या उस स्टाफ से हैं, तो वो हम प्रॉपर चेक करके छोड़ेंगे। मैडम, इस समय कई पुलिसकर्मी भी हैं जो लगातार कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो नाका पुलिसकर्मी हैं ये खुद किस तरह से प्रोटेक्ट कर रखते हैं? देखो, उसके लिए जो ऑन नाका ड्यूटी ऑन ग्राउंड जो जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी पे हैं, तो उसका प्रिकॉशन यही है कि वो अपनी पॉकेट में अपना सैनिटाइजर मास्क और ग्लव्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रिकॉशन के साथ साथ ड्यूटी तो करनी ही है। तो मैं उनके लिए भी ये कहती हूँ कि और हम उनको प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि वो अपना प्रिकॉशन अपने साथ रखें, और दूसरों को अवेयर करवाने से पहले वो खुद इस तरह से पूरी तरह अवेयर रहें कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, और उसके साथ साथ हम दूसरों को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमें उनको कैसे अवेयर करना है। बॉयलेटर्स के ऊपर क्या कोई फी फाइनली? बिल्कुल, इसके लिए हम ड्राइव भी चलाते हैं, ताकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होंगे वो हमारे साथ ड्राइव के लिए आ जाते हैं, और जितने भी कोविड के वायलेटर्स होते हैं उनके खिलाफ उनको चलान दिया जाता है। आपने बात करवा दूंगा, मैंने फोन पहले माइक से नीचे।